आपने इस विषय को इस रूप में जताया कि ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है। बाकी आप मानते हो श्रवण जी कि सियासी रूप से जिसने पिछले चार दशक में इस देश की राजनीति को प्रभावित किया हुआ है, इस निर्णय के मोड़ पर यह केवल व्यक्तिगत आस्था का मामला है या इसके सियासी लाभ और हानि के संदर्भ में विवेचन किए बगैर काम नहीं कर सकता है? क्या कांग्रेस का ये असमंजस जाए या ना जाए कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब नहीं है? क्या श्रवण जी का आकलन इस संदर्भ में स्पष्ट नहीं है कि इस असमंजस से कुल मिलाकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मदद ही कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी की जो अपने जनप्रतिनिधियों को सीधे तौर पर निर्देश दे चुकी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को अगले दो महीने में अयोध्या की यात्रा करा, मतलब खुद जाना ना जाना तो अलग बात, अपने यहां से भिजवाओ और उसकी पूरी व्यवस्था भी कराओ। भाजपा शासित राज्यों में तो बाकायदा सरकारी खर्चे पर लोगों को भेजने का अभियान चलने वाला है। तो इसके बीच में श्रवण जी, क्या केवल व्यक्तिगत आस्था के विषय के साथ में कांग्रेस को इस विषय को नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हिमांशु जी। बीजेपी को करना चाहिए, रेलगाड़ियां भी चलाना चाहिए, सब करना चाहिए। अगले चुनाव के पहले मथुरा हो जाएगा तो तब आप यही डिबेट रखेंगे कि कांग्रेस को मथुरा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हर चुनाव के लिए एक मंदिर तय कर लिया गया है, ईयर मार्क कर लिया गया है। तो इसलिए कांग्रेस की परेशानी तो देखिए हिमांशु जी, जब तक भाजपा सत्ता में वो बनी रहेगी, क्योंकि मंदिरों का जीर्णोद्धार नवनिर्माण तो बनता रहेगा। आपका मूल सवाल यह है हिमांशु जी, 2024 के चुनाव पर इसका कोई असर होगा कि नहीं होगा जी, मतलब कांग्रेस के की राजनीतिक प्रतिष्ठा या राजनीतिक स्वार्थ को लेकर या सीटों को लेकर। मेरी राय यह है हिमांशु जी कि कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस देश की नागरिक, इस देश के मतदाता इतने ज्यादा शिक्षित हो चुके हैं, इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि वो अब इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं।